हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंदना एंड वेलकम यू टू माय चैनल आवर एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ डिड सार्थक अग्रवाल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी एंड ही क्रैक्ड इट इन जस्ट 7 मंथ्स। हाँ जी, यूपीएससी 2020 के टॉपर 17th रैंक पे आए थे सार्थक अग्रवाल, जिन्होंने सिर्फ 7 मंथ्स प्रिपरेशन की और उन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर दिया। तो चलिए हम पहले सार्थक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ये दिल्ली से बिलोंग करते थे और इन्होंने अपनी स्कूलिंग डीपीएस से की थी, डीपीएस बसंत कुंज से, और इसके साथ साथ इसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीए इकोनॉमी से की थी, और इसके बाद फिर इन्होंने एमफिल की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और इनके 12th के टाइम पे इनके परसेंटेज बहुत ही अच्छे थे, 99.6% इन्होंने स्कोर किया था और ये एक ब्राइट स्टूडेंट थे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल कंप्लीट करने के बाद फिर जब ये वापस आए तो इसके बाद इन्होंने देखा कि इनकी इंटरेस्ट है इस फील्ड में, सिविल सर्विसेज के फील्ड में इन्हें अपनी इंटरेस्ट लगी। इन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे थे इंडियन एक्सप्रेस में और फिनेंशियल एक्सप्रेस में, इनके आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। और इसके बाद जैसे इन्हें लगा कि इन्हें सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो इसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि अब मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो जुलाई 2020 में इन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड इट वाज रियली रिस्की फॉर हिम। इन्हें ये बहुत रिस्की भी लग रहा था, बट द थिंग इज दैट टू मेक डिसीजन, और इन्होंने डिसीजन ले लिया था कि इन्हें यूपीएससी करना है, सिविल सर्विसेज करना है। और जब आप अपने लाइफ में एक बार एक स्ट्रांग डिसीजन ले लेते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग सक्सेस। और इन्होंने ये डिसीजन उस टाइम ले लिया था और इस डिसीजन के अकॉर्डिंग फिर इन्होंने स्ट्रेटजी प्लान की। अब आप ये सोचते हैं कि क्या इन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया या नहीं किया? नहीं, इन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज ही बिलीव्स दैट कि सेल्फ स्टडी इज बेटर। अगर आप कोचिंग जाते हो तो आने जाने का टाइम जो जाता है उससे अच्छा है कि आप खुद से पढ़ लेते हो। तो इन्होंने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और इसके साथ साथ ये नोट्स बनाते थे, नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और इसके साथ ही इन्होंने टेस्ट लेना स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रिपरेशन के लिए। और इन्होंने जितनी भी मॉक टेस्ट ली सब में ये लगभग 70 के स्कोर करते थे, ओके, अप्रॉक्स 70 वो सब में स्कोर कर रहे थे। तो इससे उनको अपने प्रिपरेशन लेवल का पता चल रहा था कि हाँ वो किस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। इसके साथ साथ उन्होंने करंट अफेयर्स के लिए एक मैगजीन लिया, जो कंपाइल मैगजीन आती है वो लिया उन्होंने, जहाँ से वो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते थे। और यहाँ से इन्होंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया और वो ऐसा करते थे कि अगर कोई किसी टॉपिक पे वो पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में फिर वो हर तरह से रिसर्च करते थे और फिर उसका नोट्स बनाते थे, जो कि उन्हें बहुत हेल्पफुल लगा इनके प्रिपरेशन में। और इन्होंने इसके बाद फिर टेस्ट सीरीज भी ली, 40 टेस्ट सीरीज इन्होंने ली है, कोचिंग सेंटर से इन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ली है। और इसके बाद फिर इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज की हेल्प से, और इन्होंने खुद पे बस कॉन्फिडेंस रखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हें पता था, इन्हें बिलीव था खुद पे कि अगर ये मेहनत करेंगे तो ये कर सकते हैं, और इन्होंने यही किया। इन्होंने एक स्ट्रांग डिसीजन बनाया, एक रूटीन बनाया, और सबसे ज़्यादा तो लोग लैग कहाँ कर जाते हैं जब वो रूटीन बनाते हैं और उसे फॉलो नहीं कर पाते। एक तो डीमोटिवेशन आता है, दूसरा बहुत पीछे पड़ जाते हो, टाइम वेस्ट होता है, और इस तरीके से फिर सबका मन उतर जाता है प्रिपरेशन करने से। बट इन्होंने रूटीन बनाया और वो उसके साथ रेगुलर भी रहे, जो कि इनके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना सार्थक अग्रवाल की यूपीएससी जर्नी, की इन्होंने कैसे जस्ट 7 मंथ्स में यूपीएससी सीएससी क्रैक की। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।